क्यों पता, खरगोश जो है ना वो बरोस में रहते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं वो। पहले वो बरोस में रहते थे पता, पहले वो अर्थ के ऊपर ही रहते थे, पर जब से बहन वो रेस आ रहे हैं ना किसी ने छोड़ा धरती पर रहने लायक उन्हें, इतना बदनाम कर दिया एक रेस के पीछे। अरे क्या हो गया यार, रेस ही तो हारा है, क्या हो गया, जाने दो बेचारे को अब यार। इसलिए वो खड्डे के अंदर रहते हैं चुपचाप, उन्हें पता है खड्डे से बाहर जाएंगे क्या होगा। बाकी जानवर तो बाहर ही बैठे, हाथी बंदर लोमड़ी टॉन्ट ही मारते रहते हैं। जैसे ही खरगोश बाहर आता, ओ खरगोश कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो गाजर लेने जा रहा था, गाजर लेने। जल्दी चाहिए तो बोल कछुए से मंगा दें। बेचारा खरगोश रेस हारा भी नहीं था, बस रेस को सीरियस नहीं ले रहा था। ऑब्वियसली यार, तो सोचो अच्छा लगता है ऐसा खरगोश कछुए को हराना। तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? मान लो कल को मेरे पास कोई 5 साल की बच्ची है और मुझे बोले चलो भैया पंजा लड़ाते हैं, मैं क्या करूंगा, हराऊंगा उसे बैठ के? मैं ये ले फिर हार गए, फिर हार गए, एक बार और हार गए, एक बार, ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट लेट हर विन, जाओ बेटा खेलो खेलो जा। वही जब खरगोश ने किया, लोग कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी खरगोश चूतिया है। कछुए का नाम हो गया कछुए का, भाई बॉडी है नहीं, हेलमेट लगा रखा है उसने यार। दो की स्पीड के लिए हेलमेट कौन लगाता है? तो पता कछुए की लाइफ टाइम कितनी? 100 साल। 100 साल। खरगोश पता कितनी है? 9 साल। टाइम नहीं भाई फालतू रेसे लगाने का, 9 साल की जिंदगी मिली है। मैं कछुए के साथ खेलता रहा है, 9 साल बहुत कम है, बहुत ही कम है 9 साल एक्चुअली किसी भी चीज़। 9 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, मैं बता रहा हूँ, पर क्या मिल रहा है मुझे कॉमेडी में, मैं बताता हूँ क्या कॉमेडी में आके मुझे पता लग रहा है कि मेरा लिस्प है। लिस्प लिस्प, जिनको नहीं पता बता देता हूँ मैं, लिस्प। सर बोलने में प्रॉब्लम होती है, एक तो सर बोलने की प्रॉब्लम वाला जो वर्ड है उसी में सर घुसा रखा है। अबे जिसको लिस्ट पे उसके लिस्ट भी बोलना बड़ा मुश्किल है, कोई भी और वर्ड रख लेते यार, इतने बर्तन रख लेते बर्तन, कितना अच्छा बोल रहा हूं मैं बर्तन, लिस्ट। और पता कैसे लग रहा है, मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहा है, ओए तोतले। मैं तोतले, ये कैसी ट्रोलिंग हो रही है मुझे, मैं बड़ा होके तोतले हो रहा हूं? पता कितनी शर्म आती है बाकी कॉमेडियंस के साथ बैठ के, बाकी कॉमेडियंस बोल रहे हैं हमें एंटी नेशनल बोलते हैं लोग। तुझे क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं बोलते, मुझे ट्रोलिंग होती ही नहीं है। मैं पूछा बाकी कमेडियन से बात, मैं बाप बताओ मैं लिस्ट पे गया, कह रहे हाँ यार। मैं तूने बताया क्यों नहीं मुझे? यार हमें लगा तुझे बुरा लग जाए, मैं वहां तो 1000 लोग मजे में तोतला लिख रहे हैं, तुम जाके कमेंट लाइक कर रहे हो उनके। एक ने तो कमेंट किया था लिस्ट की वजह से हंसी आती है इस पे। मैं खुद दो जोक लिख रहा हूँ बैठ के, हर जोक में बस सा 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 लिख देता हूँ। सुरुज गया ससुराल ससु करने, तोतले। पता मैं बचपन में शक हुआ था वैसे कि मैं साफ नहीं बोलता, तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछा था, मैं कहा मैं साफ नहीं बोलता क्या? कहने कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, बस थूक घोंट के बोला करो। थूक घोंट के किसकी? अब मैं पान की दुकान के बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं कहा सर मुंह में थूको मेरे प्लीज सर, सर प्लीज दवाई मेरी सर। मैं एक बार लंदन गया था, ठीक है, वहाँ मेरी फेवरेट कॉमेडियन है ब्रिजिट किस्ची, मैं उसका शो देखने गया, शो के बाद मैं उसकी बुक खरीदी और मैं उस बुक पे ऑटोग्राफ माने गया। मैं कहा मैं ऑटोग्राफ दे जाए, कहीं नाम बोलो, मैं अभिषेक, कहीं स्पेलिंग बोलो। मैंने कहा ABHIS, उसको सुना एफ,
अभी फेक एफ कटवा के एफ कराया है, और कैसे कटवाया है मुझे ही पता है क्योंकि बोलना तो मुझे ही है ना। मैम एफ एफ, वो एफ लिखी जा रही है बार बार एफ एफ।